सेकंड टॉपिक हमारा क्या था आज का? मैक्रो। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है असेंबली में, ये आप बताएंगे कि क्या टॉपिक है। सर भूल गया सर, इस तरह से डेढ़ साल पहले पढ़ी थी सर। कुछ फर्स्ट सेमेस्टर वाले भी है ना? फर्स्ट मिस्टर सर, सर हमने फर्स्ट, सर हमने फर्स्ट में पढ़ा। फर्स्ट वाले कौन है? फर्स्ट वाले तो नहीं सर, सेकंड वाले। सर ये जो फोर्थ में हमने जो है ना फर्स्ट सेमेस्टर में असेंबली पढ़ी गुजारे जी। क्या होते हैं? कॉल करते हैं। और फंक्शन और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है फिर? आप सही बता रही हैं, कीवर्ड कॉन्सेप्चुअली क्या डिफरेंस होता है। चलिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आप एक कोड लिख रहे हैं सी प्लस प्लस में, ठीक है, और आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है void add के नाम से, जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू v जो है वो रिसीव करता है, और एक और है let's int x। और इस फंक्शन ने करना क्या है, सिंपली इसने बेसिकली cout करना है, और क्या cout करना है, इसने x प्लस v करना है, x प्लस v। ये एक सिंपल सा फंक्शन है। इस फंक्शन को यहाँ मैन में कॉल किया जा सकता है ना? यस यस। आप कहते हैं फॉर एग्जांपल इंट ए है और एक वेरिएबल बी है, ठीक है, मैं ए की वैल्यू और बी की वैल्यू कुछ वैल्यू सेट कर रहा हूँ, उसके बाद आपने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, आप कह रहे हैं इंट जी इज इक्वल टू से, और आप क्यों लिख रहे हैं स्वाइट की जगह पे मैं को वैल्यू रिटर्न करता हूँ इंट, और यहां मैं कह रहा हूं कि ये एक वैल्यू है इंट आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई रिटर्न आर, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा इंट जी, और जी इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं आप जी इज इक्वल टू एड, और ऐड में मैं दो वैल्यूज पास कर दूं, फॉर एग्जांपल एक 10 है और एक है से 4, फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ लाइन ऑफ कोड और भी है, और कहीं पे यहाँ जाके आपने फिर इस ऐड फंक्शन को क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है किसी वैल्यू ए के साथ और वैल्यू जो है वो 5 के साथ, ठीक। इसी तरह से मजीद आपने लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, और आप इस फंक्शन को रिपीटेडली कॉल कर रहे हैं, जहां जहां आपको ये फंक्शन रिक्वायर्ड है आप इसको क्या करें, कॉल। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक टर्म यूज होती है कॉन्टेक्स्ट स्विच, आप कंप्यूटर सिस्टम में एक टर्म यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विच। कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब ये होता है कि आपका सीपीयू एक प्रॉब्लम या एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा था, और आपने उसे कहा कि इस इंस्ट्रक्शन या इस प्रोसेस को यहीं पे होल्ड करो और एक और प्रोसेस है पहले उसको एग्जीक्यूट करके दो, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि इस वाले प्रोसेस के दरमियान में सिस्टम में डिले आता है। डिले कैसे आएगा कि जितना काम उसने किया होगा पहले वाला जो टास्क आप उस वो परफॉर्म कर रहा था, आपने उस टास्क को पॉज करने के लिए कहा है उसे, और पॉज का मतलब ये नहीं है कि उसने जितना काम किया होगा उसे छोड़ दे, जी। तो मैं ये बता रहा था आपको कि कॉन्टेक्स्ट स्विच चक्कर होगा, और कॉन्टेक्स्ट स्विच का मतलब ये है कि एक प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है और आपके सिस्टम से किसी और प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की डिमांड की जा रही है। और ऑब्वियस बात है जैसे हमारे साथ अभी हुआ, ये भी कॉन्टेक्स्ट स्विच था कि मैं एक्सप्लेन कर रहा था और मुझे जो है उस प्रोसेस को होल्ड करना पड़ा और एक और प्रोसेस फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूट करना पड़ा हमें, ऐसा ही है ना। तो कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी प्रोसेसिंग डिवाइस होती है, उससे जब आप कहते हैं कि एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और आप उसे छोड़ के दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट करें, तो ऑब्वियस बात है कि वहाँ पे सिस्टम में कुछ ना कुछ डिले आता है। डिले का मतलब ये है कि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो स्लो होगी, ऐसे ही है ना। कि आपका सिस्टम अगर फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस को जो है वो 5 सेकंड में एग्जीक्यूट कर रहा है, और आपके सिस्टम में अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने में आप डिले डालना शुरू कर दें, कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर होना शुरू हो जाए, तो वो मे बी 5 से 10 पे चला जाए, क्योंकि एक प्रोसेस को छोड़ना पड़ता है उसे। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी को पढ़ा होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, यस सर, उसमें ये बताया जाता है
कि एक जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ क्या क्या जो है उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रोसेस की आईडी होती है, प्रोसेस ने कितना पोर्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सिक्यूट कर लिया है, प्रोसेस ने उस प्रोसेस ने जो मेमोरी यूटिलाइज करनी है वो कौन सी की है, प्रोसेस ने कितना प्रोसेस एक्सिक्यूट किया और रिमेनिंग प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें हैंडल की जाती हैं। तो इट मीन्स कि एक प्रोसेस अगर एक्सिक्यूट हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम जब उसको स्टॉप करेगा तो जो पहले वाला काम किया वो सारा ख़त्म हो जाएगा, डिस्कॉर्ड हो जाएगा, और आप वो जो प्रोसेस नया एक्सिक्यूट करना है उसने वो एक्सिक्यूट करने के बाद जब वो वापस आएगा तो प्रीवियसली जितना भी काम हो चुका था वो उससे ऑनवर्ड उसको कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं है कि वापस जीरो पर चला जाए। जैसे आपके सिस्टम में विंडोज़ में आप कुछ कॉपी वगैरह कर रहे होते हैं, अगर आपने स्टॉप कर दिया किसी भी प्रोसेस को, कॉपी हो रहा है, एक फाइल आपकी कॉपी हो रही है, तो आप उसे पॉज कर सकते हैं। अब वहाँ पे पॉज अगर आप करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है आप पॉज क्यों करते हैं, आप चाह रहे होते हैं कि कुछ और उस टाइम पे परफॉर्म हो, ऐसा ही है ना कि नहीं? तो आप उसे जब कंटिन्यू करते हैं तो वो उसी से ऑनवर्ड स्टार्ट होता है। जैसे आप नॉर्मली डाउनलोडिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ दफ़ा आपका डाउनलोड जो है वो 88 पे जाके वापस जीरो पे आ जाते हैं। तो इट मीन्स कि उसने प्रोसेस को रिज्यूम नहीं किया, उसने प्रोसेस को रीस्टार्ट किया। आपके सिस्टम भी यही काम करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको बड़ी सिंपल सी बात बताई जाती है कि ये जो इंट मैन है या वर्ड मैन है, ये प्रोसेस, ये आपके प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एप्लीकेशन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और ये जो फर्स्ट लाइन है पहले ये एक्सिक्यूट होती है, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और ये सिक्वेंस में एक्सिक्यूट हो रही होती है। ऐसे ही है, बात समझ रहे हैं? अगर ये सीक्वेंस में एक्सिक्यूट होती हैं तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, पहले ये लाइन एक्सिक्यूट होगी, लेकिन जब यहाँ पे कंट्रोल पहुँचेगा तो कंट्रोल को यहाँ से जंप करना पड़ेगा। ये जंप कहाँ होगा? ये जंप यहाँ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने मैन प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करते हुए अपने प्रोग्राम से ये कहा कि मैन को उधर ही छोड़ो, एक नया फंक्शन है पहले उसको कॉल करो। ये टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच है कि आपके सीपीयू को जो पहले वो काम कर रहा था उसको वहीं पे रोकना पड़ेगा और इस ऐड फंक्शन को पहले इन्वोक करना पड़ेगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा, फिर ये वैल्यू को वापस यहाँ लेके जाएगा, और जब ये यहाँ वापस आएगा तो प्रीवियसली जितने भी उसने वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए थे उस प्रोसेस को उसे रिज्यूम करना पड़ेगा। समझ रहे बात? इसी तरह से ये दरमियान में कोई लाइन अप कोड है और करते करते जब आप यहाँ वापस पहुँचेंगे तो फंक्शन कॉल जो है वो अ टाइप ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। वो फिर से इसको यहाँ तक जितना भी उसने प्रोसेस किया होगा उसे क्या करेगा? पॉज करेगा, कहीं ना कहीं मेमोरी में उनकी वैल्यू उसको सेव करेगा, सेव करने के बाद फिर जंप करेगा, नया फंक्शन कॉल करेगा, उसके रिजल्ट को वापस लेके आएगा। तो ये तो मैं आपको जो है वो बिल्कुल माइनस सी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली जब कॉन्टेक्स्ट स्विच अगर होता है तो आपके सिस्टम को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि जब भी फंक्शन कॉल होती है तो प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? कि सिस्टम आपका जो है वो वहाँ पे चांसेस हैं कि आपका सिस्टम जो है वो स्लो हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे एक प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरे प्रोसेस की तरफ जाना पड़ता है। तो ये जो मैक्रोस का कॉन्सेप्ट है, मैक्रोस भी फंक्शंस की तरह ही होते हैं, काम उनका फंक्शन वाला ही होता है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम और कॉन्टेक्स्ट स्विच है इसको वो रिजॉल्व करते हैं। कैसे रिजॉल्व करते हैं? वो ये कहते हैं कि बजाय इसके कि इस फंक्शन की कॉल के टाइम पे कंट्रोल को यहाँ से जंप करा के यहाँ लेके आए, मैक्रोस का कॉन्सेप्ट ये है कि वो ये कहते हैं कि इस फंक्शन की जो बॉडी है, जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को क्यों ना यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाए इसकी जगह। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैक्रोस का कॉन्सेप्ट, नॉर्मल फंक्शन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल जंप करके फंक्शन की डेफिनेशन पे जाता है, यानी एक मेमोरी से उसे जंप करके कहीं और जाना पड़ता है। लेकिन मैक्रोस जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो ये कहते हैं कि जंप स्टेटमेंट को किसी तरह से ख़त्म किया जाए, और वो जंप स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करें वो ये है कि जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल होती है वहाँ वहाँ उस फंक्शन की बॉडी को पेस्ट करवा दें, बजाय डेफिनेशन पे जाने के। वो क्या करते हैं? वो डेफिनेशन को अपने साथ रखते हैं, जहाँ जहाँ पे कॉल आती है फंक्शन की वहाँ वहाँ उसकी बॉडी को पेस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, ये बात समझ आई? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कंट्रोल का सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। जब वो यहाँ पहुँचेगा ऐड फंक्शन को कॉल करने की कोशिश करेगा तो ऐड फंक्शन की जगह उस ऐड फंक्शन की डेफिनेशन सारी की सारी जो कि ये वाली डेफिनेशन है ये यहाँ से उठा के वो यहाँ पे इसकी जगह पे क्या कर देगा? पेस्ट कर देगा। इट मीन्स अब कंट्रोल का सीक्वेंस जो है, एग्जीक्यूशन फ्लो जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जब वो डिस्टर्ब नहीं होगा तो वो जो प्रॉब्लम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच है वो अक्कर नहीं होगी। जब वो अक्कर नहीं होगी तो हमारा जो सीपीयू है उसका फ्लो भी डिस्टर्ब नहीं होगा और मैक्सिमम जो उसकी थ्रूपुट है वो आपको मिलेगी। समझ गए बात?
सेंटेक्स वाइज कैसे होते हैं वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ गई। सर सुनिए कि जब हमने फंक्शन मैन की बॉडी से बाहर डिफाइन किया हुआ है तो ये उसकी फिर कॉपी ला रहे हैं, कॉपी ये कॉपी रखता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आता है कि जब भी जब फंक्शन कॉल होता है या मैक्रो कॉल होता है, तो फंक्शन जब कॉल होता है तो कंट्रोल को जंप करके उसकी डेफिनेशन पे जाना है। जब मैक्रो कॉल होता है तो जो कंट्रोल या आपके जो कंपाइलर वगैरह होते हैं या इंटरप्रेटर होते हैं, उनका काम ये होता है कि वो क्या करते हैं कि जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो वो देख लेते हैं कि कौन कौन से मैक्रोज हैं, तो मैक्रो की जो डेफिनेशन होती है वो अपने पास सेव कर लेते हैं। क्या करते हैं, वो मैक्रो की डेफिनेशन को अपने पास सेव करते हैं, यानी उसकी एक कॉपी रख लेते हैं अपने पास, और जहाँ जहाँ कॉल आती है कॉल टाइम पे उनको क्या करते जाते हैं, पेस्ट करते जाते हैं। इट मीन्स यहाँ एक प्रॉब्लम है क्या कि मेमोरी कंज्यूम हो गई, मेमोरी कंजम्पशन की बात हो रही है यहाँ। जाहिर बात है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल 15 मैक्रोस बने ना, तो 15 के 15 मैक्रोस की उनने कॉपीज अपने पास रखी हुई हैं, तो मेमोरी की पार्ट ऑफ व्यू से ये एफिशिएंट नहीं है। लेकिन आप कहाँ किसकी एफिशिएंसी की बात करें, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो डायरेक्टली जो लिंक होता है वो सीपीयू के साथ होता है। हम एग्जीक्यूशन को फास्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो आपके मैक्रोस है वो एग्जीक्यूशन को फास्ट करते हैं, वो मेमोरी की बात नहीं कर रहे। मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो है वो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन हम मेमोरी की नहीं, हम एग्जीक्यूशन की बात करें। आपने देखा हमारे सिस्टम में मेमोरी का जो प्रॉब्लम है वो तकरीबन रिजॉल्व हो चुके हैं, मेमोरीज रिच हो चुकी हैं, हमारी रैम जो है वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, तो प्रॉब्लम ऑफ एग्जीक्यूशन को रिजॉल्व करते हैं। जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच आता है तो उससे क्या होता है कि आपके सीपीयू की जो एग्जीक्यूशन है वो डिस्टर्ब होती है। बात सीपीयू की हो रही है, हम मेमोरी की नहीं हो रही। तो मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक है इनका, लेकिन एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैक्रोस क्या होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं। बात समझ गए? अच्छा जरा आप देख लेते हैं कि मैक्रो के लिए आपको डेफिनेशन क्या लिखनी पड़ेगी, सेंटेक्स क्या होगा। तो पहले तो आप लिखते थे डी फन, यहाँ आप लिखेंगे डेफ मैक्रो। डेफ मैक्रो का मतलब होता है डिफाइन मैक्रो। डी फन की जगह आप क्या लिखेंगे, डिफाइन मैक्रो, मैक्रो का नाम उसी तरह से सेम, बाकी वही चीजें। आप कहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई, और सिंपल इस मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, एक्स और वाई जो है वो उनका सम करना चाहूँ। अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो ये मैक्रो डिफाइन हो जाएगा। जी ये एक मैक्रो है जो कि एक्स और वाई यानी दो वैल्यूज को क्या करेगा, ये ऐड करेगा। अब यहां पे देखिए क्या एरर आ रहा है, एड वॉज अ फंक्शन एंड इज बीइंग रीडिफाइंड एज अ मैक्रो। यानी वो ये कह रहा है कि आपने इस नाम से पहले एक फंक्शन बनाया है और रीडेफिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने थोड़ी देर पहले एक फंक्शन बनाया था एड टॉप पे वो सेव हुआ हुआ है, तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था वो टेम्परेरी फंक्शन में, लैम्डा फंक्शन में मैंने ऐड पे एक प्रॉपर फंक्शन बना लिया जो कि बैकएंड पे पड़ा हुआ है। अब आप देखें ऐड मैंने काफी देर से यूज नहीं किया लेकिन बैकएंड पे वो पड़ा हुआ है, यहाँ पे वो एरर आ गया क्योंकि उसने मेमोरी कंज्यूम की हुई है। तो क्या सोल्यूशन है, या तो उस फंक्शन को मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट का कॉन्सेप्ट तो अभी हमने सीखा नहीं है, तो मैं इसका नाम चेंज करूँ ऐड वन, यानी जो नया मैक्रो मैंने बनाया उसका नाम क्या है, ऐड वन है। तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ ऐड वन, ऐड वन, और यहाँ मैं कह रहा हूँ फोर एंड सिक्स। कॉलिंग वैसे ही है, कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली ये जो है ये क्या है, फास्ट है मैक्रोज। मैक्रोस में और भी बहुत सारे जो हैं फीचर आपको मिलते हैं, तो फीचर्स ऑफ मैक्रोस देख लें क्या क्या होते हैं। लिस्प लैंग्वेज में ये फीचर आपको मिलते हैं। मैक्रोस आपको प्रोवाइड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बैकपोर्ट एंड स्प्लाइसिंग। मैक्रोस आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बैकपोर्ट एंड स्प्लाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। जी सर, बैकपोर्ट स्प्लाइसिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इस बारे में, नेक्स्ट डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा बैक कोड का मतलब ये है, एक नॉर्मल कोड हमने पढ़ा था CLISP के अंदर, लिस्प लैंग्वेज के अंदर। नॉर्मल कोड का क्या मीनिंग था, वो उसको फंक्शन
फंक्शन नहीं समझता बल्कि उसको वो कहते हैं कि क्या करो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को किल करो। इन शॉर्ट अगर आप यहाँ लिखते हैं ए, तो ए को वो एक सिंबल अज्यूम करेगा और सिंबल के अगेंस्ट वैल्यू होती है, तो वो यहाँ पे आपसे कहेगा कि ए जो है एक अनडिफाइंड अनबाउंड वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहें कि ए ए ही प्रिंट हो तो मैं इसको कोड लगा सकता हूँ। कोड का मतलब है कि इसको वैल्यूएट ना करो, बस ऐसे ही टॉ प्रिंट कर दो, तो ए जो है वो ए ही रहे। ये नॉर्मल कोड है। नॉर्मल कोड का मतलब था सिंपल इज कि जिसके ऊपर अप्लाई हो गया उसको को कहता है कि इसको वैल्यूएट ना करो। जैसे मैं ये कह रहा हूँ लिस्ट ऑफ 1 2 3, इसको वो फंक्शन एज्यूम करेगा। लिस्ट जब भी आती है लिस्ट लैंग्वेज में वो क्या होती है, उसको फंक्शन एज्यूम करेगा। तो वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फन कॉल ऑफ 1 को वो क्या कर रहा है, फंक्शन एज्यूम कर रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि एज इट इज प्रिंट हो तो हमने क्या कहा था, कोड अप्लाई कर, ठीक है। अब जो बैक कोड का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नॉर्मल कोड में अगर आप चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आपने लिखा होता से कुछ यूं, ये तो 1 2 3 है ना, इस केस में तो 1 2 3 1 2 3 रहेगा। अगर यहाँ एक वैल्यू होती सेट क्यू, और सेट क्यू मैं कह रहा हूँ एक्स, और एक्स में मैंने 13 23 है सेट किया हुआ, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे 1 मैं चाह रहा हूँ प्लस एक्स एंड 3। अब नॉर्मल कोड कहते हैं डोंट इवैल्यूएट, ये तो ऐसे ही उठा के दे दे, सही है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि नॉर्मल कोड ने तो सबको क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया, अगर आप चाह रहे हैं कि बैक कोड यूज करें तो बैक कोड, ये जो आपके पास स्केप की के साथ कोड होता है इसे हम कहते हैं ये, तो बैक कोड आपको फैसिलिटेट करता है कि आप ये स्केप की के साथ जो कोड होता है लेफ्ट मोस्ट टॉप पे जो की, तो नॉर्मल कोड आपको जो है वो हेल्प करता है कि आप चाहें तो इस लिस्ट के अंदर जिस एलिमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहें आप कर सकते हैं, यानी सिलेक्टेड वैल्यूज को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं बैक कोड के साथ। अगर आप चाह रहे हैं कि क्या हो, इस एक्स को एग्जीक्यूट करें तो x के साथ मैं क्या लिखूंगा, एट द रेट सिंबल लगाऊंगा, एट द रेट सिंबल। ये एट द रेट सिंबल क्या करेगा, जब x की वैल्यू यहाँ पे लेके आएगा और इसको प्लस करा देगा 3 के साथ। चलें, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक एट द रेट सिंबल जिसे हम स्प्लाइसिंग कहते हैं, और एक कामा कॉन्सेप्ट है। मैं अगर यहाँ पे फिलहाल यूँ समझ लें कामा लगा दिया मैंने इस x के साथ मैंने क्या लिखा, कामा। इट मीन्स मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो वेरिएबल x है ना, इस x की जगह x की वैल्यू आए। मतलब ये कि ये जो कोट है, ये कोट अब बाकियों के ऊपर प्लस को तो वह एग्जीक्यूट नहीं कराएगा, 3 को तो वह एग्जीक्यूट नहीं करेगा, लेकिन जिसके साथ मैंने कामा कैरेक्टर लगाया होगा ना, सिर्फ उन वेरिएबल्स को क्या करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा। x की जगह x की वैल्यू लेके आनी चाहिए जो क्या थी, 23, ठीक है। और बेसिकली जो रिजल्ट इस केस में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्लस एज इट इज रहेगा। नॉर्मल कोड की तरह ये भी काम करता है, प्लस के ऊपर कोड हुआ है, यूँ समझ लें आप, 3 के लिए भी कोड अप्लाई हुआ है, लेकिन ये जो कामा x है, x की जगह x की वैल्यू आनी चाहिए। इट मीन सिलेक्टेड आप एग्जीक्यूशन करा सकते हैं बैक कोड के साथ, चूंकि यहाँ पे तो फिलहाल नहीं होगा, बिकॉज ये जो बैक कोड का फीचर है ये मैक्रोज में मिलता है, तो मुझे फंक्शन मैक्रो बनाना पड़ेगा, तो मैक्रो के अंदर मुझे ये यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अप्लाई हो गया, ये जो x था x के साथ x की वैल्यू आ गई है, और 3 एज इट इज रहा, प्लस जो है वो एज इट इज रहा, यानी सिलेक्टेड एग्जीक्यूशन में करा सकता हूँ। बात समझें, ये बैक कोड का कॉन्सेप्ट है। अब ये जो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है, ये फिलहाल शायद आपको समझाने के लिए मुझे एक दो कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना पड़ेगा। हमने आर्गुमेंट्स की टाइप्स पढ़ी थी, और उसमें आपको बताया था कि आर्गुमेंट की टाइप में ऑप्शनल आर्गुमेंट्स होती हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट्स होती हैं, और रेस्ट आर्गुमेंट्स होती हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में चला करें, ठीक है।